से सरकार बनाने को लेकर कर्नाटक में खेल जारी है, और दूसरा बारामसी में जो पीएम का अपना कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ पुल हादसा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुल हादसे पर। देखिए देश कितना कुरमगज लोगों का है, और खासकर सवर्ण समाज के लोग जो आजकल के युग को कहते हैं कलयुग। पुल गिरा, उसमें गलती होती है, इंसानी गलती होती है, घुसखोरी होती है, ठेकेदारी में गड़बड़ी होती है, और दोष किसको दे रहे हैं? भगवान को। एक से एक नमूने हैं इस देश में भाई। अखबार में खबर छप रही है कि ज्योतिष विद्या के हिसाब से शनि और मंगल और बृहस्पति का कुछ चक्कर है, ये इसी देश में हो सकता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश का जो सवर्ण समाज है वो चोर, कामचोर, बेईमान, झूठा, डपोर, संखी, अमानवीय, अवैज्ञानिक सब कुछ है। बताइए पुल गिरने का किसी भगवान से क्या कनेक्शन है? अगर भगवान थे, अगर ये ज्योतिष विद्या थी तो क्यों नहीं रोक लिया इन्होंने पुल गिरने से? आप समझिए कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए ना, कि पुल कौन ठेकेदार था, कौन कंपनी थी, कॉन्ट्रैक्टर, क्यों हादसा हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो, उसकी सजा हो। लोग क्या कह रहे हैं, हे भगवान ये क्या कर दिया, शिव की नगरी। तो मतलब समझिए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इन जो लोग इस देश में समझिए कि रूलिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं, उनकी समझ कितनी खराब है वो देखिए। पुल गिरा उसके लिए भगवान दोषी है, सरकार से कोई सवाल नहीं। सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है कि वो कंपनी कौन है, पत्रकारिता क्या हो रही, कोई नहीं पता करके बता रहा है कि कंपनी कौन है, किसने ठेकेदारी दी थी, कौन ठेकेदार है, किस नेता का उससे कनेक्शन है, ये नहीं बताएंगे आपको। बताइए इतने लोग की जान चली गई है, कौन जिम्मेवारी लेगा इसकी? ये भगवान अगर तय करते हैं तो फिर सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दीजिए। ये बहुत ही खतरनाक बात है, पकड़ना चाहिए उन लोगों को। मैं जानता हूं इस देश में एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग ठेकेदार नहीं है। सबसे ज्यादा मोटा माल कमाने का जो इस देश में धंधा है वो कॉन्ट्रैक्टर का धंधा है, और वो सब के सब जो है वो लिंक वाले लोग हैं। सवर्ण समाज के लोग होते हैं, उनके बड़े बड़े लिंक होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनमें नेता, ब्यूरोक्रेट्स, पावरफुल माफिया सब शामिल होते हैं। आप इस देश में एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर का नाम बताइए जो गैर सवर्ण हो। आप मुझे इस देश में एक बैंक करप्ट आदमी का नाम बताइए जिसने बैंक से लोन लेके भाग गया हो। इस देश में नेता भी बैंक करप्ट, अगर करप्शन कर रहा है, अगर वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का बहुजन है तो उसको सजा हो जाती है। नाम गिनाओ, छगन भुजबल, लालू प्रसाद यादव, मधु कोरा, वो जिनका नाम जो बड़ी हो गए कोर्ट से, वो यूपीए फर्स्ट में जो मंत्री थे, ये राजा, ये सब के सब गैर सवर्ण नेता थे, इन सबको सजा हो गई। और नीरव मोदी, नीरव माल्या पैसा लेके भाग जा रहे हैं। मुझे वो तस्वीर याद आ रही है जब विजय माल्या पूजा पाठ कर रहे थे और वो पैसा लेके भाग गए सिद्धि विनायक मंदिर में। मतलब इनके बेईमानों से भी भगवान का कनेक्शन है क्या? तो आप साफ साफ समझिए कि ये भगवान उगवान कोई नहीं है, ये भगवान की आड़ में इस देश का जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है वो अपना पाप छुपाता है। फेसबुक सोशल मीडिया पर बढ़िया लिखते हैं लोग, जब आप बाबा साहब अम्बेडकर हुए, जब संविधान बना तो भगवानों ने जन्म लेना बंद कर दिया, कोई अवतार नहीं हुआ भगवान का। ये बड़े बड़े जो भगवान के नाम पर जो दहशतगर्दी, गुंडागर्दी और रेपिस्ट थे, वो सबको सजा हो रही है। आपके देश में कोई तो अकाउंटेबिलिटी तय हो, नेता का, कॉन्ट्रैक्टर का, ठेकेदार का, पकड़िए उसको, सजा दीजिए। ऐसा लगता है जैसे बनाना रिपब्लिक हो गया। अभी एक पत्रकार को मैं देख रहा था, उन्होंने लिखा है कि ऐसा लग रहा है, इसे डर लग रहा है, सब कुछ खुलेआम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेके, आर्मी चीफ, आर्मी
आर्मी जो प्रमुख है उनको छोड़ ले लीजिए, सीए जी ले लीजिए, हर आदमी डरा हुआ है। किससे डरा हुआ है? सरकार से। पत्रकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, सवर्ण पत्रकारों की ऐसे ही वैचारिक सहमति बीजेपी से, जो थोड़े बहुत लोग हैं वो बेचारे डरे हुए हैं। किसको कब मार दिया जाएगा कोई नहीं जानता। कर्नाटक में सरकार की बात कर रहे हैं, 2 मिनट का काम है बीजेपी के लिए, वो बना लेगी भाई। और अब तो मतलब तो क्या बताओ, हद हो गई है। ये देश ऐसी हालत में पहुंच गया है कि अब इस देश को डेमोक्रेटिक सिस्टम जो पूरा बर्बाद हो गया है। मैं गुजरात से आया हूं, ऐसी ऐसी कहानियां आपको भी बताऊंगा गुजरात के बारे में, आप हिल जाएंगे कि आपके देश के जो प्रधानमंत्री अमित शाह है वो क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं।